गुर्जर आंदोलन, 6 पॉइंट पर बनाई अस्थाई जेल, 4000 पुलिस जवान अफसर तैनात, चेकिंग में हाईवे से आधा दर्जन संदेही पकड़े। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। ग्वालियर में गुर्जर समुदाय द्वारा आज गुरुवार को किए गए गिरफ्तारी आंदोलन आह्वान को लेकर पुलिस सतर्क है। इसी के चलते पुलिस लाइन में बुधवार को अश्रु गैस के फायर करने की पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग कराई गई। गुरुवार सुबह से पूरे शहर में 4000 पुलिस जवान अफसर तैनात किए गए हैं। सुबह से ही शहर के चौराहों पर बैरिकेडिंग कर पुलिस तैनात नजर आई है। मेला मैदान जहां जेल भरो आंदोलन के लिए सभी एकत्रित होने वाले थे, वहां पुलिस ने सुरक्षा का चक्रव्यूह बना दिया है। एक बार उस चक्रव्यूह में कोई उपद्रवी या हंगामा करने वाला घुसा तो वह बाहर नहीं निकल पाएगा। पुलिस ने शहर में 6 पॉइंट पर अस्थायी जेल भी बनाई है। सोशल मीडिया पर भी आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर उर्फ रावण सहित गुर्जर समाज के विभिन्न संगठन एवं ओबीसी महासभा के लोग सोशल मीडिया पर गुरुवार के कार्यक्रम को लेकर ग्वालियर में जेल भरो आंदोलन में शिरकत करने वाली खबरें चलाई जा रही हैं। गुरुवार को गुर्जर आंदोलन के आह्वान पर पुलिस अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते पूरे शहर भर में 4000 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। यह पुलिस जवान शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। शहर में प्रवेश करने वाले चारों एंट्री पॉइंटों पर पुलिस ने चेकिंग पॉइंट लगाए हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने चेकिंग के दौरान सिकरौदा तिराहे से बाइक की नंबर प्लेट पर गोबर लगाकर शहर में घुसपैठ करते 3 संदेहियों को पकड़ा है। इन संदेहियों में से एक संदेही अपने हाथ पैर जय भीम का टैटू गुंदवाए हुआ था। वहीं पुलिस ने टोल प्लाजा से 4 पहिया वाहन में प्रेस का आईडी कार्ड लटकाकर शहर में घुसने की कोशिश कर रहे आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप गोयल सहित 3 को भी पकड़ा है और इन सभी को पुलिस ने बनाई गई स्थायी जेल में रखा है। गुर्जर ओबीसी महासभा बोली, देंगे सामूहिक गिरफ्तारी। इसको लेकर प्रशासन का कहना है कि जिले में धारा 144 लागू है, ऐसे में बिना अनुमति के किसी भी धरना प्रदर्शन आंदोलन या जुलूस की अनुमति नहीं है। गुरुवार के संभावित कार्यक्रम को लेकर भी पुलिस के पास कोई आवेदन नहीं आया है। 25 सितंबर को गुर्जर महाकुंभ के दौरान हुए उपद्रव और उसके बाद पुलिस कार्रवाई को लेकर गुर्जर और ओबीसी महासभा ने 12 अक्टूबर को जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया है। गुर्जर और ओबीसी महासभा का कहना है कि पुलिस ने शांति प्रिय आंदोलन के दौरान कुछ शरारती तत्वों की कारगुजारी के चलते समाज के कद्दावर लोगों को संगीन धाराओं में आरोपी बना दिया है और कई लोगों को पकड़कर जेल में ठूंस दिया है। इसके विरोध में भी सामूहिक गिरफ्तारी देने वाले हैं। गुर्जर समाज के लोगों ने कलेक्टर पर किया था पथराव। बता दें कि गुर्जर समाज के कुछ वरिष्ठ लोगों ने पुलिस प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया था। गौरतलब है कि गुर्जर महासभा महाकुंभ के दौरान जिला प्रशासन द्वारा फूलबाग मैदान में ज्ञापन नहीं लेने पर जुलूस के रूप में आंदोलन में शामिल लोग जब ज्ञापन देने जिला कलेक्ट्रेट भवन गए थे, जहां उनका पुलिस से विवाद होने के बाद पथराव शुरू हो गया था। पुलिस को भीड़ पर आंसू गैस के गोले भी चलाने पड़े थे। गुर्जर महासभा का यह भी कहना है कि भीड़ में कुछ अन्य समाज द्वारा शरारती तत्वों के घुसने से माहौल बिगड़ गया था और इसमें गुर्जरों को बदनाम किया गया। इधर पुलिस किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए अपने आप को चुस्त दुरुस्त कर रही है। जवानों ने सीखा आंसू गैस के गोले चलाना। एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा का कहना है कि आधार आचार संहिता में कानून व्यवस्था में निपटने के लिए पुलिस लाइन में जवानों को हंगामा और उपद्रवकारी को खरीदने के लिए आंसू गैस के गोले चलाने का अभ्यास कराया गया। भविष्य में कभी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने और बल्ब की स्थिति में किस तरह से निपटा जाए, इसके लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने वाले दल के पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।